कल मैं ये दो पोलाथीन पालक के लेके आई थी तो अपने ऑफिस में नीचे कपड़ा बिछा के उनसे कही साफ कर दो। तो गाइस दोनों को मैंने अच्छे से भून लिया, मैं इन्हें ना कट कर लेती हूँ। किक मिल रही है? किक खाली आदमी तो यही करेगा, क्या किक मिल रही है? किक क्या होता भाई? तो गाइस खीर तो हमारी बन गई है, देवी को खुशबू आ गई है। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मखाने की खीर, और इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, इधर मैंने थोड़ा सा डाल दिया देसी घी, और ये रखे हुए हैं एक कटोरी मखाने। तो इसे मैं रोस्ट करूंगी और उसके बीच में मिलवा देती हूँ मैं आपको बेटी को कहाँ जा रही है। हाँ जी, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है मंडे, आज है महादेव का दिन, तो मैं हर मंडे जाती हूँ शिवलिंग पे जल चढ़ाने। तो आज कोई फ्रूट नहीं है मेरे पास, वैसे एवरी मंडे फ्रूट होता है साथ में, अरे कल लिया फ्रूट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज हम ऐसे चल चला के आ जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, आप तब तक रेसिपी पे फोकस कीजिए, आज बन रही है खीर, वो भी मखाने की। बाय बाय। तो गाइस दूध मैंने ऐसे ही थोड़ा सा अंदाजे से ले लिया था, तो वैसे ही मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं, अगर आपने फास्ट रखा होता जैसे मंडे का, या बीच में कोई भी आप फास्ट रखते हैं तो उसमें भी आप, ये मीठा खाने का मन करे तो उसमें भी आप इसे खा सकते हैं। तो एक कटोरी मैंने ले ली है मखाने, इसे मैं कर लेती हूँ अच्छी तरह से रोस्ट, थोड़ा क्रिस्पी होने तक हम इन्हें भून लेंगे। तो आप बिना ऑयल के भी भून सकते हैं इसे, घी के, नॉन स्टिक है अगर आपका पैन, वैसे तो इसी पत्ते के तो खैर नहीं है ये, फिर भी थोड़ा घी डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे देसी घी में कर लेते हैं बढ़िया से करारा सा रोस्ट इसे, और क्या डालूंगी मैं इसमें वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इधर दूध भी बॉयल हो गया और गैस मैंने सिम कर दी, बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे। तो गाइस मखाने भी हमारे रोस्ट हो रहे हैं, और साथ साथ डाल देती हूँ मैं इसमें थोड़े से बादाम, और बादाम भी मैं अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। और काजू मेरे पास भुने हुए रखे हुए हैं, वो मैं बाद में डाल दूंगी, उसे भूनने की जरूरत नहीं हुई है, उसे मैंने भून के रखा हुआ। तो इसे बढ़िया सा कर लेते हैं हम क्रिस्पी, दोनों को मैंने अच्छे से भून लिया, मैं इन्हें ना कट कर लेती हूँ मखाने को भी और ये बादाम को भी। तो गाई जी ने मैंने भून लिया था अच्छे से, और इसने मैंने इसको मैंने दो दो पीस में कट कर लिया, ये थोड़े से मैंने काजू भी ले लिए और ये बादाम भी मैंने कट कर लिया। दूध हमारा बॉयल हो ही चुका है, दूध को उबलते हुए हो गए हैं 5-10 मिनट, तो मैं डाल देती हूँ इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट। मखाने की खीर बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा, और इसे अच्छे से हम फिर से पका लेते हैं। किशमिश भी मैंने डाल दी, जल्दी में डाल दी, सॉरी आपको दिखाई नहीं, मैंने सोचा पहले दिखा दी। तो इसे हम बॉयल होने देते हैं, अब डाल देते हैं। ज़िंदगी में मिठास की तो बहुत ज़रूरत है, मिठास बिना तो ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं ना मीठा नहीं खाते, नहीं खाते, ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, जो बिल्कुल मीठा नहीं खाते ना उनके ना बोल में कड़वाट, वो कड़वे होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मीठा गाय जरूर खाना, मीठे लोग बनो, कड़वे मत बनो। तो इसे इसमें आ गया बॉयल अच्छे से, मैं डाल दूंगी शुगर, थोड़ी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी मिठास चाहिए हमें, ज्यादा मिठास भी अच्छी नहीं लगती, वो ओवर हो जाती है फिर। तो बस इसे कर लेते हैं अच्छे से बॉयल, और ये ठंडी होने के बाद ना फिर गाढ़ी हो जाती है, तो मैं इसे अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ थोड़ा, और 5-1 मिनट इसे मैं और पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आपने जल्दी से इसे बनाना हो ना, जल्दी से गाढ़ा करना हो, तो देखो वैसे तो पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट तक लग जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप क्या करें, एक चम्मच कस्टर्ड लें, ठंडे दूध में इसे घोल लें। तो मैंने इसे घोल लिया, मैं डाल देती हूँ ये कस्टर्ड, और इसमें कस्टर्ड का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बस इसे कर लेते हैं मिक्स, और ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, बस बन जाएगी हमारी खीर बहुत ही टेस्टी। ये देखो डालते ही एकदम से कितना गाढ़ा हो गया, और कलर भी अच्छा हो जाएगा, वाइट नहीं लगेगा, येलो येलो थोड़ा, जैसे आप केसर भी डाल सकते हो, आप केसर वाला, हाँ। अगर केसर नहीं है तो कस्टर्ड वाला दूध डाल दोगे तो भी आपका कलर वैसे ही आ जाएगा। तो बस गैस कर देते हैं बंद, अब ये ना जल्दी से फिर ये ठंडा होएगा ना, जैसे और भी थिक हो जाएगा। तो मैं गैस करती हूँ बंद, और इसे ठंडा करेंगे, फिर करेंगे इसे इंजॉय। तो देखो कितना बढ़िया लग रही है, खाने के बाद इसे आप बना खा सकते हैं मीठे। तो गाइस खीर तो हमारी बन गई है, देवी को खुशबू आ गई है, देवी मैया आके खड़ी होगी, मूली पुलाव मंदिर से होकर आई हूँ, तो मेरे को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी किचन से, मैं ही आ गई देखने,
पहली बार बनाई है मखाने की खीर, आपने कभी ट्राई नहीं की ना पहले, तो देखते हैं आज इसका फ्लेवर कैसा आएगा। हम मम्मी के वजह से ना हम नई नई रेसिपियां ट्राई करते रहते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने आज बनाया है पिगमेंटेशन के लिए स्पेशली। जो मुझे काफी सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे थे कि पिगमेंटेशन के लिए कुछ आप रेमेडी शेयर कीजिए, तो पहले ऑलरेडी मैं एक शेयर कर चुकी हूँ, अब ये सेकंड रेमेडी है और बहुत सारी और भी आएंगी, क्योंकि एक से नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जो भी आपको इजी लगे आप वो ट्राई कर लो, और इसको सिर्फ 15 दिन करोगे ना पिगमेंटेशन आपकी धीरे धीरे लाइट होनी शुरू हो जाएगी, आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो आज ये तो चलता रहेगा, मेरा रोज का ही काम है। आप बताओ बना क्या रहे हो? मैं बना रही हूँ खीर, तो आपने बना दी मीठे में, लेकिन नाश्ते में क्या बना रहे हो? अभी सब्जी तो कोई बनाई नहीं है, ये यहाँ पे निकला, अच्छा आटा निकला हुआ है, दही मैं खाऊंगी नहीं सुबह, मेरा मन नहीं है, मेरा चाय पीने का मन है। और ये देखो पनीर की, ये कल मम्मी ने पनीर की भुर्जी बनाई थी, मैं सोच रही हूँ इसी का नाश्ता कर लेती हूँ, तो दो रोटी और चाय के साथ ये गर्मा गर्म। आज मैं बनाऊंगी दिन में गट्टे की सब्जी, बहुत टाइम बाद बन रही है राजस्थान, ये गर्मियों में ही ऑलमोस्ट, सर्दियों में तो सब्जियां बहुत होती हैं, गर्मियों में होती है सब्जियों की गट्टे की सब्जी की तरी इतनी टेस्टी लगती है ना, मुझे वो ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है, मसाला अच्छे से भून के बनाओ ना, लसन वगैरह कूट के। तो मासी के यहाँ ज्यादा बनती होगी ना ये सब्जी? राजस्थान की कहते हैं गट्टे की सब्जी, है ही वहाँ की फेमस, मारवाड़ी, मारवाड़ी लोग ज्यादा बनाते हैं इसको गट्टे की सब्जी। मारवाड़ी लोग अलग होते हैं, राजस्थान में अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं ना, जैसे हरियाणा में हरियाणवी अलग होते हैं, बाकी कास्ट तो सारी होती हैं, कहलाते तो हरियाणा। तो जो वो दाल बाटी चूरमा है वो कहाँ की ऑथेंटिक रेसिपी है, मतलब क्या मारवाड़ी बनाते हैं वो? सुनीता की मासी बनाते हैं वो, पता नहीं, तो कभी ट्राई नहीं किया दाल बाटी चूरमा ना, हमने कभी उनके यहाँ पे खाया ना। इधर पिताश्री से भी आपको गुड मॉर्निंग करा देते हैं जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये क्या चल रहा है? तेरा ही काम कर रहा हूँ। एक दिन ना मैंने पापा को बोला, ओ देखो ये काम है तेरा, देखा से ब्लेड छोड़, मैंने नहीं फेंका पापा इसमें, मैंने नहीं फेंका, वो हो सकता है ऊपर से गिर गया हो, मैंने नहीं फेंका, रखते ही नहीं ऐसे, मैंने फेंका ही नहीं है इसको। तो गाइज क्या हुआ था कि मैं रोज सफाई सफाई करके, मैं छुट्टी लिए बहुत दिन हो गए, जब ज्योति को छोड़ने गए थे ना हम लोग एयरपोर्ट 18th को, तो उसके बाद मैंने छुट्टी ले ली, और आज देख लो आज 29th हो गई है, तो वीक ऑफ मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो नेक्स्ट मंथ में ले लूंगी अब, और इसीलिए ना मैंने बोला था ये जो दो बास्केट्स है ना ये क्लीन करनी है, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। पापा कहते चलो मैं कर दूंगा, मैं घर पे हूं तो मैं इस चीज़ को क्लियर करके इधर को दे दूंगा, और आज सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं, देख लो सारा सामान निकाल के उसको क्लीन करके फिर से रखेंगे। तो मजा आ रहा है इस काम में? खाली है अपना, किक मिल रही है, किक खाली आदमी तो ये करेगा, क्या किक मिल रही है, किक क्या होता भाई? ता हो गया, और मैं वेट बाहर आई तो मम्मी किसी की इंतजार कर रही है, किसकी इंतजार कर रहे हैं? आलू प्याज खत्म हो रहे थे कल मंडी गए नहीं, कहाँ आलू प्याज वाला? अच्छा वो रेडी वाले, मुझे लगा पहले वो आते थे ना वो ट्रक में भर के लाते थे। तो ये दो जो दिख रहा है ना आपको फ्रूट और सब्जी वाला, ये अंकल दो खड़े हैं, दो रेडियां हैं, फ्रूट तो ले लिया मम्मी ने, फ्रूट तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लिया है, लेकिन अभी आलू प्याज वाला जो है अंकल वो शायद वो अच्छा इधर ही आएंगे या उधर ही जाएंगे ये भी नहीं पता ना उनका, तो इधर ही है, अभी तो अपनी सेटिंग से कर रहे हैं, देखते इधर आते हैं कि उधर जाते हैं। बाकी जो फ्रूट माते ने ले लिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो फिर से ले लिया है वाटरमेलन, अभी हमने फिनिश किया है इसको, देखने में तो रेडी ही लग रहा है, पता नहीं मीठा है कि नहीं, देखेंगे वो। तो साथ में लिए हैं मैंगोज़, क्योंकि आजकल ना मैंगो शेक का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पीने में। हाँ जी कौन सी बेल? तो ये मिट्टी की आवाज आएगी ना इसमें, कोई घंटी थोड़ी ना, पत्थर की किसी की, ये देखो ना ऐसे हवा ही नहीं लगती है, तो ये थोड़ा ज्यादा ऊंचे, फिर नीचे करेंगे ना, तो ये बेल दिवाली पे लेके आए थे, नीचे करेंगे तो पता क्या होगा फिर? अरे गलत, सर में लगेगी, यहाँ लगाएंगे ना अगर तो सर में लगेगी, दिक्कत ये है, सिर तोड़ फोड़ना देगी, पत्थर बड़ी सुंदर लगती है मुझे, ऐसे ऐसी मिट्टी वाली जो बेल्स आती है ना बहुत मस्त लगती है, तभी लगाई थी मैंने दिवाली पे, और यहाँ तक हवा पहुँचती नहीं है, बात भी सही है, इतनी ज़्यादा हवा आती नहीं है, तो आ गए हैं प्याज और आलू वाले अंकल फाइनली, इनसे ले लेते हैं प्याज और आलू। नहीं अभी तो 12:45 हुए हैं, इतनी जल्दी की जा रही है, चल 10 मिनट है, 5 मिनट जाने में लगेंगे, बस चलते हैं, काम बहुत है ना मंडे। तो ये कहती है ऑफिस में कस्टमर नहीं है, वेले बैठे रहते हैं। मैंने कब बोला कस्टमर नहीं है? कई बार कहती है काम होता है, वो हर रोज थोड़ी होता है।
तो कोई कमेंट होगा आपका। तो कल मैं ये दो पोलाथीन पालक के लेके आई थी तो अपने ऑफिस में नीचे कपड़ा बिछा के उनसे कही साफ कर दो। चलो क्या थे आप? ये ले जा दोनों पालक, नहीं जी थैंक यू वेरी मच, ले जा साफ हो जाएगी मेरे से। पापा है ना, पापा से करवा।